बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है बद्ध कोणासन। इसके लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं और फिर अपने पैरों को आगे की तरफ लेके आएं। अब दोनों को इंटरलॉक करते हुए अंदर की साइड लेके जाएं, मतलब अपनी साइड। अब दोनों को पकड़ लें हाथों से और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे आपकी। अब अगर आप चाहें तो एक हाथ से अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर दोनों हाथों से अपने पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि रेगुलर पीरियड्स और यूट्रस के लिए भी अच्छा होता है, हर्निया में भी बेनिफिशियल होता है और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ ये यूरिन इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा होता है। आइए अब अपन दूसरा पोज करते हैं, और दूसरा पोज है सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। इसके लिए सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएं। ध्यान रहे आपके पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। अब आप दोनों उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ें और धीरे 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 अपनी गर्दन को घुटनों की तरफ लेके आएं। धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुटनों पे लगा दीजिए। आप जितनी देर आप रुक सकते हैं आराम से रुकिए और धीरे धीरे सांस भरते वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। आप इसको 2 से 3 बार आराम से कर सकते हैं। अब आप वापस सुखासन में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब